तो साडे बजुर्ग वो चले गए हैं, असी उन्हां दी जगह ते बैठे हाँ। असी मुस्लिम भाईचारे बड़ा उस बजुर्ग का प्यार सानू खिंच के ले जाता, असी कदों गल वकड़ी पा के मिलिए। मैं सब तो पहला ये जरा सब का पंजाब कहना, मैं बड़ा धन्यवादी हाँ जिन्हें के साडे पिंड तोहफापुर बैठा हुआ, साढ़े तो तोहफापुर तो जो गए बजुर्ग उन्हों का सू इंटरव्यू सिखाया और सानू इन्नी खुशी हुई। हर साल तो बाद असी उन्होंने रिप्लाई के दस रहे हैं। मैं सबका सरपंच पिंड तोहफापुर जगीर सिंह, साडा पाकिस्तान में दादा जी दसते सन, साडा पिंड से छीने 88 तहसील चूनी डिस्ट्रिक्ट लाहौर के पिंड। देखो ये बाबा पानी पिलाने वाली जगह बनिया सन। छोटे उस दौर च लिखिया गया। आ देखो जी आ छप्पड़, ये तोहफापुर का छप्पड़ है जी, जो उस टाइम तो नहीं सानू पता भी होंदा सी, लेकिन अज का बहुत पुराना है। जो असी देख रहे हैं सानू तो हो ही गए 35 साल, शायद उदो भी होएगा ही है, शायद उदो भी हैगा सी। साडे पिंड अज भी गडरी उदा ही ने, पहला घट घर होंगे सी, अज बहुत ज़्यादा ने गडरिया बरादरी, अज भी बहुत ज़्यादा है। सारी उही बस्ती है जिते बापू जी रेंदे रहे ने, ते सानू बड़ी खुशी हुई है उन्हां दीआं गल्लां इत्थों दे तोहफापुर बारे सुन के, जो पिंड कहिंदे ने जो सारे पासे और नाल नाल किलो दो दो किलोमीटर दे एरिए दे विच छपेरे सारे पिंड ने, कोई 4 किलोमीटर ते कोई 2 किलोमीटर ते, तोहफापुर दे नाल जोली जोला बल्लोपुर मियांपुर अगांपुर भगवासी इधरों दप्पर हो गया तोगापुर हो गया चौंदेड़ी हो गया उधर लालड़ू तो अपना उधर है तो भी दिखा देने तो लालड़ू के थाने की अब तुम जाके वो भी दिखावे। जो बोड़ा सिंगर रोड उन्होंने दिनों चाहता से अब डबर रोड बन गए ने। तुम दस दिए कि बापू जी कह रहे थे कि इतने गुरुद्वारा बना दिता होगा, पर नहीं गुरुद्वारा नहीं बनया, ये मस्जिद उस तरह ही कायम है। जोहर भी असर टाइम लिख रखे मगरिब ते ईशा की नमाज का टाइम, तो आई पढ़ सकते उ मदीना मस्जिद तोहफापुर पोस्ट दप्पर तहसील डेरा बसी डिस्ट्रिक्ट मोहाली पंजाब। अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, आदाब दोस्तों। साहब दा पंजाब दी टीम पिंड तोहफापुर के बुजुर्गों के कोल पहुंचे हैं, जिन्हों का असी कुछ दिन पहलों इंटरव्यू अपलोड किया सी, तो वीडियो इन्हां दे पिंड तक पहुंची। उस पिंड दे बंदे ने राबता किया जिन्हों दा विच्चों जसपाल सिंह बब्बर साहब ते सरदार दलजीत सिंह उन्होंने बाबा जी वास्ते उन्हां दे पिंड दी वीडियो बनाई, तो पिंड घुमाए जिहड़े बाबा जी ने अपने वीडियो दे विच दस्से सी। आओ हुण असी दिखाउंदे आ बाबा जी नूं 75 साल बाद उन्हां दे पिंड दी वीडियो। सति श्री अकाल जी सारयां नूं, मेरा नाम है दिलजीत सिंह, मेरे नाल ने मेरे सत्कारयोग सरदार जसपाल सिंह जी बब्बर, तो असी चढ़दे पंजाब तो गल कर रहे हैं, तो अज असी बहुत ही खास वीडियो लैके तुहाडे नाल सांझे कर लगे हैं। असी एक पाकिस्तान दे यूट्यूब चैनल हैगा सब दा पंजाब, तो जिन्हां दे होस्ट ने JM राणा जी, तो उन्हां दे थ्रू सानू थोड़ी आवाज़ पहुँची जिस दे विच एक मुस्लिम बापू जी ने, तो जो कि 1947 दे वंड वेले जदों इंडियन पंजाब जिहड़ा छड के जदों पाकिस्तान पंजाब वल नूं गए उस टाइम उन्हां दी रिहायश इत्थे सी, जो जो जिस स्थान ते असीं खड़े हुए हाँ तोहफापुर पिंड। तोहफापुर दी गल करदे सी असीं उस टाइम ते उस स्थान ते असीं रह रहे हाँ उदों दे पाकिस्तान तों जदों दी वंड होई है, ते ओह बापू दीआं गल्लां सुण के बड़ा वधिया लग्गिया, ते उहनां नूं अज्ज असीं जो भी इहनां दा जो निशानियां उहनां दस्सियां ने पिंड दस्से ने, असीं कोशिश करांगे जो खूह दस्सिया उन्होंने या सारी उन्होंने जिथे रेंदे रहे ने बस्ती दसी उन्होंने, ठीक है वो असी अपने हत्थां नाल कच्चे कोठे च रह के ते दोबारा उस तो बाद अपने पक्के बनाए सी, ते वो उन्होंने दिखावांगे। ते उन्होंने जिहड़ी उन्होंने जिहड़ी वड्डी गल मस्जिद की गल की सी उन्होंने, असी उन्होंने कहना चाहते हैं कि वो
घबराने की लोड़ नहीं। तो वह मस्जिद असी बहुत ही सामभ संभाल के ते आबाद करके रखी हुई है, उदा ही उसमें वधिया बना के तो वह भी तुहानू दिखावांगे। गुरुद्वारा साहब असी अपनी बस्ती के विच ही नज़दीक बनाया 30-35 साल पहला, तो बहुत सोहने माहौल के नाल सारा पिंड अपने अपनी थान से सब कुछ सैट है। तो तुहानू यह जगह जरूर दिखावांगे जिते वह रेंदे होंदे सी, कच्चे कोठे होंदे होंदे सी, सारा कुछ हुंदा सी। ते साडे जिहड़े बजुर्ग सी गुरदीप सिंह जी, वह छिन्ना पिंड पाकिस्तान दे विच हुंदा सी, सानू दसदे हुंदे सी। ते वह मेरे दादा जी सी जो कि सुरगवास हो चुके ने, अज नहीं साडे विच हैगे। ते वह दादे छिन्ना पिंड हुंदा सी, उत्थे सानू इन्ना कुछ पता है उत्थों दीआं गल्लां पता। दादे जदों वंड हुई सी तो उदों बड़ा खून खराबा होया सी, ते साडे भी बहुत ज़्यादा खून खराबे दे विच जीआं दा नुकसान होया सी, जो जानी नुकसान होया सी। तो उदा इदा ही तुसीं जिद्दां इधरों गए सी उदा ही उधरों आए सी, ते सानू भी बड़ी खुशी हुई है। पुरानी याद आ गई भी अज वो बजुर्ग भी उत्थे कैम बैठे हुए हैं जिन्होंने अज गल की साढ़े पंजाब बारे, कि असी चढ़ते पंजाब तो हाँ, तो तुसी बड़े गौर दे नाल ते ध्यान दे नाल ते देखो जो चैनल थ्रू तुसीं देखिया, जो चैनल दे राही असी कहिंदे आ साडी इधर दी वीडियो भी उधर दिखाई जाए, असी सारा तुहानू दिखाने आ मियाँपुर पिंड तो लै के सारा होर इधर उधर जो भी है लालड़ू थाना तुहानू दिखा देंगे, सारे कुछ तुहानू दिखाने दी असी कोशिश करांगे भी तुहाडे तक पहुँचाया जाए। तो उत्थे पाकिस्तान दे विच रहिंदे होए साडे प्यारे सज्जन मित्र जो भी है भाईचारा उन्हों भी दिखाया जी, असं प्यार उन्होंने भी बहुत करते हैं जिम्मे साडे नाल करते हैं। कभी मौका लगे तो तुम इधर जरूर आओ, इधर आ के तुम देखो उही खूह उही मस्जिद उही इतने छप्पड़ कवर भी इतने हैगी है, जो तुम कहते जो कवर तो इतने श जो भी होर निशानियां होनगियां इतने जिमें जिमें उन्होंने दसियां उदा ही पिंड उदा ही सब कुछ उदा ही है, सारा कुछ हैगा इतने कुछ नहीं, सिर्फ बदलिया समा। सारे मन के उदा ही प्यार है, वैलकम जो मर्जी तुम आओ तो असं थोड़िया इंतजार करा तो स्वागत करा तय दिलो। बाकी जो अल्लाह दास जी ने जो जो लोकेशन जो जो निशानियां दसिया ने वह सारिया थानू अज दिखावे, जो पुराना खूह से जो मस्जिद से सारा कुछ इदा ही आबाद पे ने, सारा कुछ कायम पे है, सारा कुछ थानू दिखावे। हूँ मियाँपुर तो चलो चलो अस चलते हैं, चलो दिखाने चलो थानू शुरू करते हैं, थानू दिखाने सारा कुछ स्कूल मियाँपुर। ये सरकारी स्कूल है मियाँपुर 1954 का, 1954 ब्लॉक डेरा बस्सी मियाँपुर नाल पिंड सी हां डेरा भाई चार को थी। गया जी तोफापुर, तोफापुर तो जा रहे हैं, ये तोफापुर वाल नू जा रहे हैं, इधर ये जाएगा इधर तोफापुर दा रास्ता पिंड सी मियाँपुर तो मियाँपुर तो ये मियाँपुर पिंड है जी। इधर मियाँपुर नूं जांदा रस्ता, आ रस्ता मियाँपुर जांदा, कच्ची पई हुंदी सी। हाँ जी, ये कच्ची पई हुंदी सी पहला अद्धा घट्टो घट्ट 15-20 साल तो बाद इहदे सड़क बनी है। आला इधर वाला जिहड़ा रस्ता ये जांदा चौन दिहाड़ी नूं, लिखा बोर्ड ते मियाँपुर वाला इधरों 2 किलोमीटर 2.5 किलोमीटर इत्थे चौन दिहाड़ी है जिहड़ा रस्ता जा रहा। हाँ जी, ये सारा इत्थे नाल चौन दिहाड़ी है, उहदे नाल अगे तोगांपुर पै जांदा जिहड़ा बापू जी ने कहा सी, अगे तोगांपुरे उस तो अगे फिर दप्पर आ जाता है, दप्पर आ जाता है। हाँ, उधरों की इधर लालड़ू आ जाता है, वह तुम्हें दिखावे। अच्छा जी, थाने जी तुम दिखा दें उ जाके भी वह भी है, वह भी आप जरूर दिखावे। तो इस तो पहले आप तोफापुर की दस दी उन्होंने दिखा दी है जो कि देख भी हाँ भी सब कुछ उदा ही है। हाँ जी, थानू आज तोफापुर लैके चलते हैं, उत्थे ਉਹੀ ਖੂਹ ਵੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਬਾਪੂ ਜੀ। ਖੂਹ ਵੀ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ, ਮਸਜਿਦ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ, ਛੱਪੜ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ, ਮਸਜਿਦ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ, ਛੱਪੜ ਵੀ ਦੇਖਣ। ਚਲੋ ਜੀ,
जिते वह रेंदे होंगे उसी अज असं उ रह गए बड़े हुए हैं उत्तर पले हाँ कच्चे कोठे होंगे सी साढ़े सामने ही 25-30 साल पहले असं कच्चे कोठे च पले हाँ उस तो बाद असं आप ही पक्के बनाए हैं उ बस्ती जिते असं आप रह रहे उत्थे इन्हों के घर अपने इन्हों के घर इन्हों के होंगे जिते असी रह रहे हूँ तक रह ही रहे कच्चे कोठे जमे हाँ पले हाँ उत्थे असं वे हुए खुद आप उठा के खूह भी दिखावे जगा जो उदो पानी होंगे जो अभी पीते होंगे उहाँदे उ माल डंगर पानी पिलाते सारे पिंड तो पानी लैके जाता होंगे अज भी खूह है पर इस टाइम हूँ नलके तो समरसीबल होने करके वह बंद करता वैसे ऊपर पर खूह है इस टाइम उपर बंद करता हूँ यूज नहीं किया जाता बंद कर दे कोई बच्चा या कोई जानवर बेच ना गिरे दिखाने चलो जी तोहफापुर चलीए बापू जी के पिंड पिंड के अंदर वड़ गए तोहफापुर के स्कूल पिछे ना सरकारी स्कूल है ये नहीं पता उन्होंने टाइम है नहीं पर अज ये तोहफापुर दी गलियां सरकारी स्कूल तोहफापुर का स्कूल है सरकारी तोहफापुर का ये सरकारी स्कूल तोहफापुर का सरकारी सम्राट मिडल प्राइमरी स्कूल तोहफापुर ब्लॉक डेरा बसी अंदर देखो अगे चलते हैं अगे खूह भी दिखाने अगे खूह दिखाने मस्जिद भी दिखाने गलियां ने तोहफापुर की पिंड दियां बापू जी जिस मस्जिद का जिक्र करते उस गली है ते आ गई मस्जिद आ गई जी मस्जिद जी बापू जी जिक्र कर रहे मस्जिद असि अज भी आबाद ही करा के रखी है अज तो घट्टो घट 20 साल पहला आबाद कराती सी नक्शा बदल गया पक्की थी उस टाइम पक्की देखो लिखा जी इत्थे मदीना मस्जिद तोहफापुर लिखा बड़ा नेड़े नाल दिखाओ भी हां मदीना मस्जिद तोहफापुर मस्जिद दा नाम सी मदीना मस्जिद आ देखो आ लिखा होया है की लिखा जी मौलवी सलीम ये है जी मस्जिद इतने अज भी नमाज पढ़ी जाती है स्पीकर लगा जी देखो अज भी नमाज पढ़ी जाती है इतने खोलो 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 दिखा रहे अंदरों दिखा रहे आ लो जी आ देखो जी मस्जिद ये अज भी संभाली हुई है इतने आबाद कराई थी दरवाजे लगे हुए वैसे बंद है इतने दस दिए कि बापू जी कह रहे थे कि इत्थे गुरुद्वारा बना दिता होगा पर नहीं गुरुद्वारा नहीं बनया ये मस्जिद उस तरह ही कायम है इनू बिल्कुल नहीं छेड़िया गया है कि अंदरों सारा देखो जी ये तोहफापुर की मस्जिद है दोबारा बनी पक्की टाइमिंग लिखी हुई है फजर दी जोहर दी असर टाइम लिख रखे मगरिब ते ईशा दी नमाज दा टाइम ते आ तुसी पढ़ सकदे हो उत्थे
मदीना मस्जिद तोहफापुर पोस्ट दप्पर तहसील डेरावसी डिस्ट्रिक्ट मोहाली पंजाब। जी ये ने तोहफापुर दी गलियां जी मस्जिद वाली ये मस्जिद के नाल दी गली है जी। चलो हुण तुहानू खूह दिखाने जी बापू जी जिहड़ा कह रहे सी देखो जी आ खूह वाली गली आ गई है ये आ रहा खूह ये रहा जी खूह आ देखो ये वो खूह कोई खूह है बाबा बाबा बोलता नहीं है वो आई है नक्शे बदल दिए छोटे छोटे नहाते भी रहे भर के नहाते होंगे उस दौर च लिखिया गया उपर जाल पाते पहले उपर सकंजे होंगे जिथे पानी 1904 पिंड ਸਮਰਸੀਵਲ ਤੇ ਆਪਣਾ ਹੈਂਡ ਪੰਪ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਉੱਪਰ ਇਹਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਤਾ ਤੇ ਜਾਲ ਪਾਇਆ ਰੱਖਿਆ ਸਰਨੇ ਦਾ ਵਿੱਚ ਗਿਰ ਸਕੇਂਦੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਤਾਂ ਕੋਈ ਪਾਣੀ ਭਰਦਾ ਨਹੀਂ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਬਥੇਰਾ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਮਾਲ ਡੰਗਰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਾਰੇ ਇੱਥੋਂ ਪਾਣੀ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਦੁਆਲੇ ਖਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਸੀ ਨਾ ਸਾਰੀ ਸਭ ਖੜੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਮਕਾਨ ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਥੇ ਦਰਖਤ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਪਿੱਪਲ ਖੜਾ ਆ ਬਾਕੀ 3-4 ਦਰਖਤ ਅਸੀਂ ਪੱਟੇ ਗਏ 4 ਆ ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਦਰਖਤ ਦੱਸਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਿੰਬੇ ਵੀ ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੱਟ ਕੱਟ ਕੇ ਖੁਦ ਆਪ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਗ੍ਹਾ ਆ ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਦਰਖਤ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਪਿੰਡ ਬਿਲਕੁਲ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜਿੱਦਾਂ ਬਾਪੂ ਜੀ ਦੱਸਿਆ ਇੱਕੋ ਗਲੀ ਆਉਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਉੱਪਰੋਂ ਦੀ ਘੁੰਮ ਕੇ ਆਹੀ ਗਲੀ ਸੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਆ ਪੱਕੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਖਾਈ ਗਈ ਹੈ ਆਲੇ ਘਰ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਪਿੰਡ ਛੋਟਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿਰਫ ਇਹੀ ਗਲੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕੱਚੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਘਰ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਆ ਬਾਪੂ ਹਰ ਜਿੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਸ ਟਾਈਮ ਇੱਥੇ ਬਾਪੂ ਹਰੀ ਆ ਬਸਤੀ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਉਹੀ ਬਸਤੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਬਾਪੂ ਹਰੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਉਹੀ ਕੱਚੇ ਕੋਠੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪੱਕੇ ਕੋਠੇ ਨੇ ਪਰ ਇਸ ਟਾਈਮ ਰਹਿਸ਼ ਕੁਛ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਕਰ ਲਈਏ ਪਰ ਘਰ ਖਾਲੀ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਪੱਕੇ ਨੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਇੱਥੇ ਉਹੀ ਗਲੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕੱਚੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਬਾਪੂ ਜੀ ਦਾ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਕੱਚੇ ਕੋਠਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਜੰਮੇ ਪਲੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਬਾਪੂ ਜੀ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦੱਸਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਆਪਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਸ਼ੀਨਾ ਪਿੰਡ ਹੈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਲਾਹੌਰ ਹੈ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਪਿੱਛੇ ਪਿੰਡ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉੱਥੇ ਜ਼ਮੀਨ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਨਹਿਰ ਦਾ ਪਾਣੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉੱਥੋਂ ਪਾਣੀ ਦਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਅਤੇ ਖਾਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਪਾਣੀ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਵਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੱਸਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਸਾਡੇ ਦਾਦੀ ਜੀ ਦੱਸਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਪਸ਼ੀਨਾ ਪਿੰਡ
पिछे पाकिस्तान दे विच जिला लाहौर है और सारी उही बस्ती है जिथे बापू जी रेंदे रहे ने ते सानू बड़ी खुशी हुई है उन्हां दीआं गल्लां ते इत्थों दे तोहफा पर बारे सुन के जो पिंड कहिंदे ने जो सारे पासे होर नाल नाल किलो दो दो किलोमीटर दे एरिए दे विच छपेरे सारे पिंड ने कोई चार किलोमीटर ते कोई कोई दो किलोमीटर ते तोहफा पर दे नाल जोली जोला बल्लोपुर मियांपुर अगांपुर भगवासी इधरों दप्पर हो गया तोगापुर हो गया चौंदेड़ी हो गया उधर लालड़ू तो अपना उधर है तो भी दिखा देने तो लालड़ू तो थाने की अच्छे तुम जाके वह भी दिखावे जो बोड़ा सिंगर रोड उन्होंने दिन चुनाव से अच्छे डबर रोड बन गए हैं लालड़ू के पर असी उतों के थाने की तुम थोड़ी जी वीडियो बहुत दिखा देंगे भी लालड़ू थाना जो उन्होंने कहा अभी वो जरूर तुम दिखावे वीडियो के जो बापू जी ने कहा जरूर साढ़े मन खुशी होगी उस चीज़ की भी ये चीज़ भी बापू जी ने देखी तो साढ़े तक पहुंची तो असं भी उन्होंने जा रहे हैं तो असं ये जरूर कहेंगे बापू जी ने सा जरूर दिखा देना भी असं उत्थे अज खड़े हैं जिते वो रेंदे रहे उही खूह है उही सारी बस्ती है ये साढ़े असं खुद इतने जमे पले हाँ खुद असं पक्के बनाए ने सारे अज तो 25-30 साल के उही सारा कुछ चलो आओ भावना दोबारा कोई दिखाने जिथो पानी पीते होंगे बहुत मिठा पानी वाकई बहुत मिठा खेडते इतों आके पानी कट के बाल्टिया के नाल इतना नहाना इतने अस पानी पीना माल डंगर पानी इतने पाते होंगे मिठा एक इतों सारे पिंड दौरतं घड़े लैके आनी इतना पानी लैके जाए देखो छपेर हो पिंड दिखा रहे आ सारा पिंड अपना आखू जरूर दसना भी की लिखा हुआ अच्छा जो बापू जी कहते भी उत्थे गुरुद्वारा साहब वो किसी टाइम तो उत्थे गुरुद्वारा साहब है सी लेकिन उस तो बाद असी 30 साल तो पहला बाद दे विच असी गुरुद्वारा साहब आ देखो आ सामने असी गुरुद्वारा साहब इधर बनाया कि मस्जिद असी उदा ही बाद रखी है मस्जिद साड़ी उदा ही बाद है गुरुद्वारा साहब साडा इधर है आ खूही दे नाले ही बस्ती दे विच गुरुद्वारा साहब असी बनाया है मस्जिद असी बिल्कुल नहीं छेड़ी मस्जिद सगों आबाद करा के उनकी मरम्मत कराई है कोई तो बंद की गिरे ना देख लो सारे सारे कच्चे कोठे से खूह चढ़ के दिखा दे सारे कच्चे कोठे सारे कच्चे से बापू दस दे लालड़ू थाना जो बाद रोड हाईवे रोड लालड़ू तो अंबाले जा रहा है जो बापू जी कहते होंगे शहर जाते होंगे वो अंबाले जा रहा सीधा तो लालड़ू का तुम दस देंगे और लालड़ू तक तुम दिखाने भी लालड़ू थाना है जरा उधर डेरा बस इधर चंडीगढ़ में जाता है जिला पहले होंदा राजपुरा जो बापू जी दस्सिया हुण साडा एस एस नगर मोहाली मोहाली है हुण मोहाली चलो चलदे आ फिर चलो तुहानूं लैके चलदे आ लालड़ू चलो ये आ गया जी लालड़ू थाणा थोड़ा जा क्लोज हो जाएगा ना
ये पहले सारी सिंगल रोड होंगी सी कच्ची दरखत होंगे सी इत्थे हुण डबल रोड बन गई है बल्लोपुर बल्लोपुर चौंक च खड़े हाँ सीधा जाता है मलकपुर रस्ता मलकपुर तो मलकपुर तो इधर जास्ताना पैंदा जी बल्लोपुर जी बल्लोपुर बल्लोपुर देखो जी आप छप्पड़ ये तोफापुर का छप्पड़ है जी जो उस टाइम तो नहीं सूँ पता भी होंगे सी लेकिन अज का बहुत पुराना है जो असं देख रहे सूँ तो हो ही गए 35 साल शायद उदो भी होएगा ही है शायद उदो भी है साढ़े पिंड अज भी गडरी उदा ही ने पहला घट घर होंगे सी अज बहुत ज़्यादा ने गडरिया बरादरी अज भी बहुत ज़्यादा है सारे पिंड देखो बैठे ने हाँ जी वधिया ठीक ठाक हाँ देखो जी साडे पिंड दे गडरिया बरादरी दे सारे भाईचारे च असीं सारे इकट्ठे ही रहिंदे आं रस्ता जा रहा है इत्थों इत्थे कब्रिस्तान जिहड़ा उन्होंने कहा सी ओह तुहानूं दिखाउंदे आं कब्रिस्तान इत्थे जा रहा है ये कब्रिस्तान देखो अद लालड़ू नूं जा रहा है रस्ता ये रस्ता लालड़ू नूं जांदा है ये मियांपुर नूं जा रहा अगे कब्रिस्तान ये कब्रिस्तान दा एरिया वाली जगह ना सारी ये आप मुस्लिम भाईचारे नू एक किला तो वैसे छड्डा कब्रिस्तान वास्ते तो पहला भी इतने कुछ हैगी सी जगह अद्धा किला अच्छा सारी कब्रिस्तान वास्ते आप छड्डी हुई है एक किला दिता हुआ मुस्लिम इतने मुस्लिम घट रहिंदे ने इस करके चलो अज तक जरूरत नहीं पई जांदी कब्रिस्तान की लेकिन जगह उन्होंने हैगी है तोफापुर दे विच ठीक है जी ये देख लो जी जड़े बजुर्ग कब्रिस्तान का जिक्र करते इस जगह का सारा एरिया कब्रिस्तान का इतने हुण मुस्लिम भाईचारा घट है तो करके बहुता इतने कि हाँ ठीक है सारा एरिया कब्रिस्तान का खड़े हो गए वीडियो बना रहे ताकि सारी साफ नजर आ सके थलो पता नहीं लगता छत तो खड़े देखो इतने सारे कच्चे कोठे होंगे होंगे सी पिछों सारे सी ढा के दोबारा से कोठियां तैयार की अपने देखो आ खाली जगह पई सारी आ देखो आ पक्का बनाया हुआ है हाँ पक्का बनाया इधर बस आ देखो आ खाली जगह है आ जिते उपर खड़े हाँ अभी ये भी घर पक्का बना दता आ उधर भी देखो वह भी पक्के करते डंगर के माल के रहने वास्ते अगे देखो उधर वो सारे उधर कच्चे घर होंगे सी सारे कच्चे कोठे से आ मेरे पिता जी बैठे ने जो तुम सारा पिछली हिस्टरी दसंगे इधर मेरे चाचा जी बैठे हुए हैं असं इन्हों को बैठे हाँ ये आए से तो जो भी गलबात हैगी है असं इन्हों साझी करने तो तुम भी सुनो मैं सब तो पहला ये जरा सब का पंजाब चैनल मैं बड़ा धन्यवादी हाँ जिन्ना के साढ़े पिंड तोफापुर में बैठा हो साढ़े तो तोफापुर तो जो गए हैं बजुर्ग उन्होंने सू इंटरव्यू सिखा और सू इन्नी खुशी हुई हर साहब तो बाद ये असी उन्हां दी रिप्लाई दे विच दस रहे हां।
मैं सबका सरपंच पिंड तोफापुर जगीर सिंह साडा पाकिस्तान दादा जी दसते सर साडा पिंड सी छीने 88 तहसील चूनी डिस्ट्रिक्ट लाहौर दे विच पिंड जदों साडे बजुर्ग दसदे सर साडे मन विच बड़ा प्यार और सत्कार और सानू दिल करदा है कि सानू वीजा किसा दिता जाए असीं अपने पिंड की सैर करिए और यह जो बजुर्गों ने इंटरव्यू दिता पिंड तोफापुर ने असी इन्हों बड़ा भारी मिलना चाह रहे हैं। असी अपने पिंड मस्जिद बनवाई और बहुत अच्छी तरह उसकी रिपेयर करवाई, उस तो बाद कब्रस्तान बनवाया मैं जी दक्षण वाले पास कब्रस्तान है और फंड दिता और बड़े काम कराए जिन्हिया मस्जिदा बनिया ने असी आप खुद बनवाइया ने। सानू इन्नी खुशी हुई और पाकिस्तान के इंटरव्यू के परमात्मा तुहाडा प्यार साडे दिलों के बड़ा वसदा है और तोफापुर के छीने 88 जो कुछ सुनते हो मेरा मोबाइल नंबर भी है 98145 40881 सरपंच जी मेहरबानी करके इन बारे सानू जरूर दसना। दादा जी सरदार बहार सिंह पुत्र हीरा सिंह वो सब दसा करते सर वो सारा कुछ दसा सा पाकिस्तान के बारे सानू तो साडे बजुर्ग वो चले गए हैं असी उन्हां दी जगह पर बैठे हाँ असी मुस्लिम भाईचारे ने बड़ा उस बजुर्ग का प्यार सानू खिंच के ले जाता असी कदों गल वकड़ी पा के मिलिए। पाकिस्तानी सरकार को असी हो बेनती कर रहे हैं सानू विजय दे विच ढिल बख्शी जाए क्योंकि असी अपने पुराने पिंड जरूर देख सकिए, ये बेनती साडी पाकिस्तान सरकार। देखो जो भी है असी अपने पिंड तोफापुर के मेरे चाचा जी शुरू तो असं मुखिया रहे हैं सरपंच भी अब तो 45-50 साल के सरपंच पिंड की साढ़े को जो भी सामभ संभाल पिंड की की है सारी इन्होंने की है। धन्यवाद जी। हाँ जी बाबा जी 75 साल बाद अज अपने पिंड घूमे जी हाँ कैसा लगे थोड़ा पिंड बहुत सारा नवा पक्का बनया बढ़िया कच्चे तो किसी का पक्के सारे नहीं थे पक्के कच्चे कच्चे भी थे पक्के भी थे तो सारा ही होया जेड़ा उन्होंने बखाया तो अनु खूह सारा खूह के ऊपर जाल पड़ा वही पुरानी वही बनया वही बनया वा तो जेड़ा छप्पड़ बखाया छप्पड़ भी पुराना ते जेड़ी मस्जिद बखाई है उस जगह ते उन्होंने दोबारा बनाई है। हाँ लेकिन नक्शा बदल दिया। अच्छा नक्शा पहले किस तरह की मस्जिद का नक्शा पिछले मस्जिद अगर बरांडा सी अगर चारों बाद दीवार सी बीच खुली सी अगर गेट का लगे वा पगवासी आगा पर तोगा पर बलो पर पोलो बाजरा लाडू अगर भाई देखे सारे देखे में बलो पर नवा पिंड चौधरी लेकिन आज जेड़ा देखना है वो बाद वो तो बखरा ही है ना नहीं मेरे सब देखे हुए ना मैं नहीं दूसरा असी इन्हां दे शुक्रगुजार हां जी जिन्ना मस्जिद हां नहीं और दूसरा कब्रिस्तान नु बड़े अच्छे तरीके तो संभालिया दक्षण पासा मैं इस्लामाबादी ना होने की वजह तो क्यों जी उन्हें मस्जिद की वो याद एक साडा मजहबी जगह है भगवासी हरी पर डेराबसी अगर मार्ग पर उठे भी गया सब देखे ने उन्होंने बखाए है उन्होंने कहा बाबे ने जो ना लिखे ने ना पिंडा के वो पिंड घुमाते ने बाबा किदा का लग्या सरपंच साहब ने तुहानू पिंड बखाया बड़ा चंगा फर क्या साहब है जिम्मे दुनिया पूरा बदल गई उठे नंबर लिखा चलो फोन सही है ठीक है बहुत मेहरबानी जी बहुत शुक्रिया। सब दा पंजाब चैनल नू सब्सक्राइब करो ते बैल आइकन नू भी दबा दियो नवीं वीडियो देखने वास्ते।